माल है यहाँ पे, मतलब बिल्कुल ही प्योर और फ्रेश चीज। आप देखिए यहाँ पे आपको ये इम्पोर्टेड नारंगी है, ये ऑस्ट्रेलिया से, ये जो यहाँ की दुकान है ये बताते हैं कि ये लोग ऑस्ट्रेलिया से स्पेशली इम्पोर्ट कराते हैं। भाई आजकल डिमांड में है ये ड्रैगन फ्रूट, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ड्रैगन जैसा दिख भी रहा है, और इसकी जो प्राइसिंग है ना वो 300 रुपए किलो है। नमस्कार, आप बिहार बाजार देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। देखिए बिहार का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है, और आज का पहला दिन है नहाए खाए, और इसके बाद बाकी जो छठ की जो खरना है, पहला अर्घ है, उसकी भी शुरुआत होगी। आपको बता दें कि हम आ चुके हैं आज कहाँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पे सिर्फ फले लगे हुए हैं, सिर्फ फल है यहाँ पर, और हम आज आ चुके हैं फल के वीआईपी मार्केट में। जी आपने सही सुना, हम आ चुके हैं फल के वीआईपी मार्केट में, और ये आपको इनकम टैक्स गोलंबर पर है। आप देख सकते हैं ये वीआईपी मार्केट ये इसीलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी फल है ना उसके दो प्रकार है, एक इंडियन आता है और एक ऑस्ट्रेलियन आता है। जी हाँ, ये फॉर इम्पोर्टेड रहते हैं ये जो फल है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे जो फल हैं वो सेलोफेन पेपर में रैप किए हुए हैं ताकि ये ख़राब ना हो सके। आम तौर पर आप जब फल लेने जाते हैं तो आपको कभी ख़राब मिल जाएगा, कुछ सड़ा हुआ मिल जाएगा, लेकिन आपको वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वालिटी के को लोग ध्यान में रखते हुए फल ख़राब ना हो सके इसकी सबसे ज़्यादा ये लोग केयर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अमरूद है, हमारे पास दो प्रकार के अमरूद है, एक सेलोफेन पेपर में है और एक इस तरह पैक किया हुआ अमरूद है। फिर यहाँ पे देखिए ये राम फल है, सीता फल है, हम आपको धीरे धीरे सबकी प्राइसिंग भी बताएंगे। देखिए ये जो राम फल है इसका प्राइसिंग है 250 रुपए किलो, और ये उसी के जस्ट नीचे में सीता फल रखा हुआ है, और सीता फल जो है उस वो 200 रुपए किलो मिल रहा है। जो अमरूद है वो आपको देसी 100 रुपए किलो का है, और जो विदेशी है वो 200 रुपए किलो आपको मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो फल है, किस तरह अंगूर को, ये इंडियन अंगूर है और ये एक डब्बे में पैक किया हुआ है ताकि अंगूर ख़राब ना हो सके, ताकि ये ज़्यादा दिन तक चले, इसलिए इसको इस तरह पैक किया गया है। फिर यहाँ पे आपके पास नाशपाती है, जो नाशपाती है उसमें भी दो प्रकार है, जो इम्पोर्टेड नाशपाती है वो 250 रुपये किलो है, और जो इंडियन नाशपाती है वो 160 रुपये किलो है। आप देखिए यहाँ पे नारंगी भी रखी हुई है, दो प्रकार की नारंगी है यहाँ पर, जो नारंगी है वो इंडियन नारंगी है वो 100 रुपए किलो है। आप देखिए यहाँ पे आपको ये इम्पोर्टेड नारंगी है, ये ऑस्ट्रेलिया से, ये जो यहाँ की दुकान है ये बताते हैं कि ये लोग ऑस्ट्रेलिया से स्पेशली इम्पोर्ट कराते हैं, क्योंकि भाई लोगों के शौक भी होते हैं कि हम माता हम सूर्य भगवान को देंगे तो इम्पोर्टेड फल देंगे ताकि उनका जो प्रसाद है वो भी उनको तेज़ी से मिल सके, इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं। जितने भी बड़े बड़े वीआईपीज हैं पटना के वो यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ पर आके फल लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको एक इंडियन नाशपाती दिख रहा होगा, हमने आपको भी एक इम्पोर्टेड नाशपाती भी दिखाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंडियन नाशपाती, हमने आपको उसकी प्राइसिंग बताई है कि क्या प्राइसिंग है। यहाँ पे सेब है, आपको बता दें कि जो सेब है वो भी दो प्रकार के सेब है, जो देसी सेब है वो 120 रुपये और 140 रुपये का आपको मिल जाएगा, और जो विदेशी सेब है देखिए उस पर ना टैग लगा हुआ है, ये देखिए ये सब, ये कितना फ्रेश माल है यहाँ पे, मतलब बिल्कुल ही प्योर और फ्रेश चीज़ है ताकि ये ज़्यादा दिन तक चल सके, लोग इस बात का भी सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और जो विदेशी सेब है उसका 220 से लेके 300 तक का प्राइसिंग जाता है, और अभी जो सबसे ज़्यादा डिमांड में चल रहा है ना वो ये, भाई आजकल डिमांड में है ये ड्रैगन फ्रूट, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ड्रैगन जैसा दिख भी रहा है, और इसकी जो प्राइसिंग है ना वो 300 रुपये किलो है, ये एक फल आपको 300 रुपये में मिलेगा। तो अगर आप भी इतने बड़े बड़े शौक रखते हैं तो आइए इनकम टैक्स गोलंबर, आपको आना है, आपको बता दें आपको माँ अंबिका फ्रूट शॉप पे आना है जो कि इनकम टैक्स गोलंबर पर है। आइए और फल लेके जाइए, छठी मैया को चढ़ाइए, जो सूर्य भगवान है उनको फल दीजिए, उनको हम लोग प्रसाद के रूप में फल भी चढ़ाते हैं, जैसे ठेकुआ चढ़ता है वैसी फल भी प्रसाद के रूप में चढ़ता है। फलों की दुनिया में आइए, ये वीआईपी फल मार्केट है। जी हाँ, ये वीआईपी फल मार्केट सिर्फ इसीलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी फल के प्रकार आपको दिखेंगे, जितने सारे फल आपको दिख रही है, सब में दो टाइप्स हैं, एक इंडियन मिलता है और एक इम्पोर्टेड मिलता है। अब भाई अगर आपको सिलेक्टिव चीज़ चाहिए तो थोड़ा तो जेब खर्च करना ही पड़ेगा ना, तो अगर भाई हम डिमांड रखते हैं क्वालिटी चाहिए तो क्वालिटी के साथ प्राइसिंग भी आती है, और अगर प्राइसिंग दे रहे हैं तो क्वालिटी तो डिमांड करेंगे ही करेंगे हम, तो इसीलिए आइए इनकम टैक्स गोलंबर, आपको यहाँ पे सारे आपकी जो भी आपको फल की डिमांड है, यहाँ पे कीवी से लेकर हर ड्रैगन फ्रूट से लेकर इम्पोर्टेड अंगूर से लेकर सारे फल आपको मिल जाएंगे, आपको कहीं और फिर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए यहाँ पर इनकम टैक्स गोलंबर पे आपको आपके मन पसंदीदा फल मिल जाएंगे, जो आप छठी मैया को चढ़ाइएगा, जिसका प्रसाद भी फिर आपको मिलेगा। ये लंबे समय तक फल चलेगा, ये सिलेक्टिव फल है, ये इम्पोर्टेड फल है, और ये लंबे टाइम तक आप इसको रख सकते हैं अपने घरों में, इसीलिए इनकम टैक्स गोलंबर आइए और
आप यहाँ पे अपने फलों की दुनिया में, ये जो फल की दुनिया, ये VIP फल मार्केट है, यहाँ आइए और फल लेके जाइए अपने अपने घर। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार बाजार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर ले, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो लोग भी VIP फल मार्केट आ सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।